हेलो दोस्तों, अनीता जस्ट ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज मैं पनीर बनाने जा रही हूँ। आज हमारे बच्चे आए हैं, बहुत दिन के बाद दशहरा में आए थे, तो उन लोग के अब जाने के टाइम हो गया, तो उन्होंने कहा कि चलिए आज मम्मी पनीर बनाते हैं, कुछ अपना तरीका से बनाएं, कुछ मेरे तरीके से। तो मैं सोची चलिए बना देते हैं। तो मैं पनीर हमारे बच्चे लोग काट चुके हैं, बच्चे लोग पनीर काट दे, तो मैं इधर कढ़ाई में तेल डाल दी हूँ, गरम कर ली हूँ तेल। तो तेल गरम करने के बाद मैं पनीर को तलने के लिए डाल दी हूँ। तो आज मैं कुछ अलग बना रही हूँ, कुछ अपना तरीका इसमें हमारा है और कुछ बच्चों लोग का। तो दोनों मिला के पनीर वाले या तो अच्छे बनेंगे या तो ख़राब ही बनेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो। तो देखिए मैं पनीर तल रही हूँ और हमारे बच्चे लोग उधर इसका जो मटेरियल है काट रहे हैं, जैसे कि प्याज लहसुन वगैरह होते हैं। तब तक मैं पनीर तल दे रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से पनीर को तल लेना है। और हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अरे देखिए हमारे बच्चे लोग प्याज छील रहे हैं, छील कर काट रहे हैं, धोकर अच्छे से। प्याज छिला चुका है, मिर्ची अदरक और मैं लहसुन भी छील रही हूँ और टमाटर भी धुल कर आ चुका है। एक खड़े साबुत मसाले हैं जैसे जीरा, तेजपत्ता, लाल मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, सारे उसमें तेल में डाल दी हूँ। डालने के बाद उसमें मैं प्याज डाल दे रही हूँ और प्याज डाल कर इसे अच्छे से चलानी है, तब तक कि सुनहरे कलर ना हो। बीच बीच में ढक देना है ताकि ये बहुत अच्छे से प्याज पक जाए। और इसमें नमक डाल दे रही हूँ। अब ये है कुछ पैकेट के मसाले, बच्चों लोग का पसंद है, और हल्दी, काली मिर्च, ऐसा मसाला बहुत अच्छे लगते हैं खाने में पनीर के साथ, क्योंकि रोज रोज तो बनते नहीं हैं पनीर, तो इस तरीके से डाल के मसाला बनाइए। और इसमें अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, दरदरा कुटा हुआ, आप चाहे तो इसे महीन पीस भी सकते हैं। और जब प्याज भुंजा जाए तो उसमें टमाटर इस तरीके से डाल दीजिए। आप जो मुर्गा मछली खाते होंगे ना, वो इस पनीर को खा लीजिएगा, तब मुर्गा मछली बनाना आप भूल जाइएगा खाना। इस तरीके से बनाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। और सारे मसाला मैं इसमें डाल दे रही हूँ और थोड़ा सा मैं पानी इसमें 2 चम्मच के लगभग डालूँगी और इसे अच्छे से चलाकर ढक दे रही हूँ। और देखिए इस तरीके से हमारे मसाले बहुत अच्छे पक रहे हैं, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। ये मसाले बहुत अच्छे भुंजा गए हैं, कलर भी देखिए चेंज हो चुका है और इसमें तेल भी छोड़ रहे हैं। जब तेल छोड़ने लगे तो समझिए कि आपका मसाला बहुत अच्छा भुंजा चुका है। अब इसमें पनीर को डाल दीजिए इस तरीके से। अब पनीर को डालकर 2-4 मिनट फिर से इसे चलाकर ढक ढक कर चलाकर पका लेनी है, तब आपको इस तरीके से पनीर बनाएगा तो बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। देखने में भी देखिए बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, और सोचिए खाने में कितने अच्छे लगेंगे। और इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ ग्रेवी के हिसाब से। और 2-3 मिनट खौलाने के बाद देखिए धनिया पत्ता डाल दें, धनिया पत्ता डाल के हमारे देखिए इस तरीके से सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और एक लाइक अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं। देखिए सब्जी पनीर और रोटी हमारी बन चुकी है और कुछ मैं सलाद काट ले रही हूँ। इस तरीके से एक बार जरूर बना खाइए, उसके बाद आप कमेंट में बता सकते हैं पनीर कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।